यूरोप धरती का सबसे समृद्ध और विकसित महाद्वीप है। यहाँ के देशों में प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है। साथ साथ लोगों में लोकतंत्रात्मक समझ और सामाजिक सद्भाव भी रहता है, जो कि आपको ज्यादातर विकसित देशों में देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि यहाँ की सामाजिक संरचना में दरार आ रही है। बाहरी नस्लों, खासकर मुसलमानों के प्रति आमजनों और सरकारों का अविश्वास इस बात का गवाह है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2-3 दशकों में यूरोप की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। लगभग लगभग एक छोटी सी गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसमें एक तरफ वहां के स्थानीय लोग होंगे और दूसरी तरफ मुसलमान। आइए जानते हैं कि यूरोप में आखिर ये परिस्थिति कैसे आ गई। कई देशों में इस्लाम के प्रति और वहां के मुसलमानों का अपने सरकारों के प्रति इतना गुस्सा क्यों है और भविष्य में क्या हो सकते हैं इसके प्रभाव। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं गंगाटाइम्स.कॉम। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन देश है जो कि सुर्खियों में तो कम रहता है, लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको कई अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आदि के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और तो और, एक पेट्रोलियम उत्पादक देश न होने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का मुख्यालय आपको ऑस्ट्रिया के वियना में ही मिलेगा। अभी हाल में ही इजराइल का पुरजोर समर्थन करने के कारण ऑस्ट्रिया खबरों में था, और अब इस्लामिक नक्शा जारी कर यहाँ की सरकार ने एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रिया में रह रहे 7 लाख मुसलमान, जो कि देश की आबादी का करीब 8% है, इस बात से काफी नाराज है। साथ ही टर्की और अन्य मुस्लिम देश भी इस बात पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। ऑस्ट्रिया की एक मुस्लिम संस्था इस्लामिक रिलीजियस कम्युनिटी इन ऑस्ट्रिया ने इस विवादित नक्शे को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। संस्था का मानना है कि इस नक्शे से मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये इस्लामिक नक्शा क्या है जिस बात का इतना विरोध हो रहा है। इस नक्शे में ऑस्ट्रिया के मस्जिदों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े अन्य सभी प्रकार के जगहों को चिन्हित किया गया है। ऑस्ट्रिया के इंटीग्रेशन मंत्री सुसेन रॉब ने गुरुवार को एक वेबसाइट लॉन्च किया, जिसमें एक मानचित्र के माध्यम से 600 से अधिक मस्जिदों, संघों और अधिकारियों के नाम और स्थान तथा विदेशों में उनके संभावित संपर्क दिखाए गए हैं। इस वेबसाइट का नाम दिया गया है नेशनल मैप ऑफ इस्लाम, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। इस्लामिक संगठनों का कहना है कि इस तरह का मैप पब्लिक में जारी करने से नस्लवाद को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा भी पेश करेगा। ऑस्ट्रियन मुस्लिम सेबेस्टियन क्रूज सरकार से पूछ रहे हैं कि आपको इस्लाम मैप जारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जब किसी और धर्म के लिए कोई खास मैप नहीं है। वहीं इंटीग्रेशन मिनिस्टर रॉब ने जोर देकर कहा है कि ये नक्शा मुसलमानों को संदेह के दायरे में रखने के लिए नहीं किया गया है। ये वेबसाइट धार्मिक इस्लाम से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यूरोप के देशों में बढ़ती राजनीतिक इस्लाम के प्रति असुरक्षा की भावना के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पिछले साल नवंबर के महीने में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद वहां की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें से एक यह भी है। सिर्फ ऑस्ट्रिया ही नहीं, यूरोप के कई देशों ने पिछले एक दशक में आतंकवादी हमले देखे हैं। 2020 में ही फ्रांस के नीस शहर और इंग्लैंड के रेडिंग में आतंकवादी हमले देखने को मिले थे। 2019 में मिलान और लंदन सहित कई जगहों पर हमले हुए। 2016 और 2017 का साल तो यूरोप के लिए अत्यंत ही भयावह रहा था। टर्की, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, रूस के विभिन्न शहरों में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। चूंकि ये हमले इस्लामिक जिहाद से प्रेरित होते हैं, यूरोप के देश ऐसे कदमों को लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वहां के समाज में मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना भी जागने लगती है। यूरोपियन सरकारों का मानना है कि इस्लाम के राजनीतिक स्वरूप को खत्म करने से आतंकवाद का सफाया किया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है यूरोप में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी। यूरोपीय संघ के कई देशों में अगले 30 वर्षों में 20-30% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे। पिछले 2 दशकों में यूरोप ने बड़ी संख्या में सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान आदि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से शरणार्थियों को पनाह दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में पाया गया है कि बाहर से आए शरणार्थी यूरोप के खुले समाज के अनुकूल नहीं ढल पाते हैं और विचारों के बेमेल होने की वजह से हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं, जैसा कि चार्ली हेब्डो के मामले में देखा गया था। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम जैसे देशों ने हिजाब और बुर्का पर पहले ही रोक लगा दिया है। इस वजह से भी शायद वहां के मुसलमान अपने आप को अलग थलग पाते होंगे।
अब ऑस्ट्रिया की सरकार ने सही किया है या गलत, इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूरोपियन देशों में मुसलमानों के प्रति बढ़ रही इस प्रकार की निगरानी के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।